हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माई की रसोई। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी, तो जिसका नाम है, ये ब्रेकफास्ट है और इसका नाम है सूजी बॉल। तो फ्रेंड, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसे स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। तो फ्रेंड, सूजी बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है बॉयल पोटैटो, और फिर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम एक टेबल स्पून जीरा डालेंगे, थोड़ा सा इसे कटे करेंगे। फिर इसमें जिंजर डालेंगे, जिंजर डालने के बाद फिर इसमें दो ग्रीन चिल्ली डालेंगे कट करके। फिर लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर इसे थोड़ा सा चलाएंगे हम। फिर इसमें अपना मैश किया हुआ बॉयल पोटैटो डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद फिर हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें चाट मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक अच्छे से डालने के बाद फिर हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे दही, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसे चलाते जाएंगे अच्छे से ताकि नीचे ना लगे। और फिर इसमें हम डालेंगे एक कप सूजी। सूजी डालने के बाद इसे हम चलाते जाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक हमारी ये बैटर थिक ना हो जाए। जब बैटर हमारी थिक हो जाएगी, अच्छे से देखिए थिक होने लगी है, चलाने से लम्स नहीं पड़ते हैं। फिर इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ढकने के बाद फिर हमारी स्टफिंग देखिए रेडी हो गई है सूजी की। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिर अपना देखिए हमारे आलू की स्टफिंग तैयार है। अब इसमें इसे हम छोटे छोटे हाथों से बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बीच में से इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके इसमें फिर हम डालेंगे अपना पनीर का टुकड़ा और इसे अच्छे से बॉल बना देंगे। बॉल बनाने के बाद इन्हें फिर हम सूजी का भी बॉल बनाएंगे। आलू के सारे जितने आलू हैं सबके बॉल बनाने हैं, पनीर एक एक पनीर डाल के। हमारे बॉल देखिए फ्रेंड रेडी हो गई हैं। अब हम सूजी को अच्छे से हाथों से मैश करेंगे। मैश करने के बाद आटे की तरह एक अच्छा सा डोर लगा देंगे, जैसे आटे का डोर लगता है। अब इन्हें भी हम बॉल लेंगे हाथे में, छोटा छोटा, थोड़ा बड़ा बॉल लेंगे, इन्हें हाथों में फैलाएंगे। फिर आलू वाला स्टफिंग इसमें बीच में ऐड करेंगे एक एक बॉल को, और ऐसे ही हम मोड़ते जाएंगे और इसे गोल शेप देते जाएंगे बिल्कुल बॉल के तरह। देखिए फ्रेंड हमारी बॉल रेडी हो गई है। ऐसे करके एक एक करके हम सारे बॉल रेडी कर लेंगे। हमारे सारे बॉल रेडी हो गए हैं सूजी के। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे और इसे थोड़ा सा हॉट होने देंगे। फिर अपने गर्म तेल में अपने एक एक बॉल को आहिस्ता आहिस्ता सब डालते जाएंगे। फिर इन्हें शुरू में ही इनको नहीं चलाना है, थोड़ा देर पकने के बाद फिर हम इन्हें चलाएंगे। चारों तरफ से चलाते जाइए पलट पलट के। फिर इन्हें हम बाहर निकाल देंगे। देखिए हमारी सूजी बॉल कितने अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं और रेडी भी हो गए हैं। फिर इन्हें एक थाली में रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारी सूजी बॉल रेडी हो गए हैं। इनमें से एक बॉल हम आपको तोड़ के दिखाएंगे
कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने अच्छे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो फ्रेंड, आप सबको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।